क्या बात है। हम वैसे आज दोबारा मिल रहे हैं तो बहुत ही खुशी रात हम बताते हैं कि हम ट्विंकल और मनीष के साथ नाच को लॉन्च कर रहे हैं। नाच का आज ऑफिशियल हमने पोस्टर रिलीज किया है जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, शिवांगी गाना ने गाया है और 14 फरवरी को एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना हम लेके आए हैं। सो बेसिकली इन अ नटशेल जो ये सॉन्ग है, सिंस ऑल द पीपल ऑल द फैंस आर वांटिंग टू नो कि ये सॉन्ग किस बारे में है, मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि 14 फेब को हर लड़की जो ये सॉन्ग देखेगी, इवन लड़का भी, लड़की अंडरस्टैंड करेगी कि इस सॉन्ग को बनाने वाले ने मेरी फीलिंग समझी है रिलेशनशिप में, मुझे क्या चाहिए, और लड़का समझेगा कि ओ भाई साहब इसको ये चाहिए था, हाँ मैं सो बैड, दोनों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो ट्रस्ट मी, दिस सॉन्ग इन नटशेल डिफाइंस अ रिलेशनशिप। एक बंदी को क्या चाहिए अपने पार्टनर से, एक पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी पार्टनर से, सो इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी विच आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू, एंड 14 फेब का वेट है गाइज एंड यू लव इट, जस्ट गिव कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर दिस। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था ट्विंकल के साथ काम करके, तो वैसे ही हमने पूरा गाना इसी शूट किया कि पता ही नहीं लगा, इतना मौज मस्ती में हमने किया, और स्टोरी कुछ ऐसी थी, लव स्टोरी थी बेसिकली ट्विंकल मेरे साइड से, तो सही। बट एंड में क्या होता है मुझे रियलाइज होता है, एंड नहीं बताना है गाइस, अभी एंड को हिडन रखते हैं। सर अगर आप तो सब बता रहे हैं तो 14 फेब को कुछ नहीं देख पाएंगे। ये म्यूजिक वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं अपने भाई को लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और इसमें हमने बहुत ही अलग अलग लुक किया है। आप देखेंगे लड़का लड़की सी साइड पे है, फिर एक ऑफिस के लुक हैं, या फिर एक रोमांटिक डेट है जो लास्ट में गाना क्लोज होता है। तो मैं बहुत सारा नहीं बताऊँगा, बट आप पोस्टर से थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि लड़की कितना मैडली लव में है, और मतलब बहुत ही ड्रामेटिक जो कि लड़कियाँ यूजुअली होती हैं मैडली इन लव विद देयर मैन, पर बंदे सोचते हैं मैं सब तो कर रहा हूँ, कमी कहाँ छोड़ रहा हूँ, बंदियों को पता होता है कहाँ कमी छोड़ रहा हूँ। एंड में मुझे नाज हुआ ना, नाज हो गया मुझे, नाज है। एक लाइन बताएंगे कि दिल को बड़ा नाज है कि तू मेरा महबूब है। सो लाइक हमारे प्रोड्यूसर बताएंगे आपको। हाँ जी प्लीज कम अक्षय जी, बताइए कि गाने का नाज नाम का रीजन क्या है, क्या रीजन है? पहली बात तो हमें बहुत नाज है अपनी को आर्टिस्ट के ऊपर, ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर ये लोग आज ऐसे सीधे सीधे खड़े हुए एकदम के टाइम ना भाग रहे थे सर, बोल मत खोलो सर, बोल मत खोलो, बोल नहीं खोलो, बट बहुत अच्छा काम है ये, इतना ही जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, चंचल नटखट नटखट ये बड़े, और ट्विंकल की एनर्जी का कोई लेवल ही नहीं। अच्छा बोलो है ना, सच में मतलब कुंडली भाग्य की पूरी एनर्जी हमें दिखाई दे रही थी। कुंडली भाग्य में लड़का नहीं मिल रहा था यार, मिला है, सॉरी हमने कुंडली भाग्य से यहाँ से लड़का ढूंढ के दिया है। आई स्वेयर मेरे शो में क्या हो रहा है सबको पता है, कोई नहीं टिका, मेरा कोई पार्टनर नहीं टिका मेरे शो में, ये टिका था तभी इनको मेरे पे नाज है। या बहुत नाज है। आई हैव टू गो, मैं पहले बोलूँगी। ओके सो बेसिकली इसके पहले भी वो एट एन इवेंट, ओके सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ बॉसी टाइप का पैंट सूट पहनने वाली हूँ, वो मैंने पहना। उसके बाद वी हैड दिस इवेंट राइट, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था द पोस्टर लॉन्च। ही कम्स टू मी एंड टेल्स मी ट्विंकल साड़ी क्यों नहीं ट्राई करती, आई सेड अभी, एंड ही मेड मी लाइक रेडी फ्रॉम हेड टू टो, ऑल द ज्वेलरी और सीइंग ये अटायर जो है ये सब, he decided in like 5 minutes and I changed and I'm loving my look, all thanks to him, same nahi all thanks to all ek matlab main kehna chahunga ki har look har koi carry nahi kar sakta, but twinkle bahut hi har look ko acche se carry karte hain. Fir hum western ki baat kare, indian ki baat kare, of course bhartiya nari sab pe bhari, ek indian trend to dekhne ko milta hi raha, aur I am on मोस्टली फॉर द इंडियन, मुझे प्रो बोलते हैं इंडियन के लिए, तो डेफिनेटली एक इंडियन का तड़का तो आज बनता ही था, वेस्टर्न और इंडियन को मिक्स करके आ जाता है ग्लैमरस लुक में स्टाइल है, एंड शी इज कैरिंग इट सो वेल, आई एम लविंग इट, और गाने में ही बहुत अलग अलग लुक्स देखने को मिलेंगे, एंड यू विल गोना लव इट। हेपे थैंक यू सो मच, हेपे फॉर नाज, वू। माय लुक टुडे
okay, this is not very glam, this is not very subtle. I like dressing up comfortably. Anything that you are dressed in comfortable is always good. So that's what I think. हाँ देखिए फिल्म का नाम है सेक्टर बालाकोट और 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है. आज तक कभी वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स पे फिल्म नहीं बनी. सो ये एक ऐसा विषय है जिसको अभी तक ज़्यादा टच नहीं किया गया. इनफैक्ट हॉलीवुड में भी एक ही फिल्म है. तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्रेलर देखिए, फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत मज़े से बनाई है एंड आप लोग खूब इन्जॉय करेंगे. सॉरी, हाँ जी, मैं अवार्ड नहीं पाया हूँ. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शो लग रहा है और मैंने थोड़ा सा शो भी देखा. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डाइवर्स शो है और सबसे बड़ी बात है नई टैलेंट को मौका दे रहे हैं. सो आई एम टोटली फॉर इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच एंड रियली ऑनर्ड टू स्टैंड हियर एंड आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ. और वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल आउटफिट, शी इज़ द डिज़ाइनर ऑफ दिस आउटफिट एंड आई एम ग्लैड टू हैव शी विथ मी एंड येस आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड सीइंग यू ऑल ऑफ येस. दिस ड्रेस इज रियली सो स्ट्रगलिंग बट इट्स लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स डेफिनेटली आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन दिस कॉस्ट्यूम जस्ट बिकॉज ऑफ हर. एंड दिस कॉस्ट्यूम्स आर वेरी वेरी हैवी, यू कैन सी एंड येस. जी बिल्कुल, आई एम द शो स्टॉपर ऑफ कशिश पादवानीज ड्रेस एंड हियर वी आर गेटिंग द अवार्ड्स एंड वी आर गोइंग टू बी थ्रिलर. इनकी मूवी का थ्रिलर भी आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल्सो. आई एम गोइंग टू लॉन्च माई मूवी टीजर टूडे लाइक सेक्टर बालाकोट जो 17 फरवरी को रिलीज हो रही है. सो प्लीज डू वॉच गाइज इन थिएटर्स. आपके नियर बाई सारे थिएटर्स में मूवी लगने वाली है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड गिव अस सो मच लव. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कम कम यो सुबह कम आ जा. ओके, तो आई विल आस्क क्वेश्चंस और यू हम बिल्कुल बोल रहे हैं. Who's going to ask her questions? Frim. Jeet, Frim mein aja. Aja. मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी ग्लैमरस एंड आई थिंक इसी स्टैंडर्ड से शो चलना चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बीन इन्वाइटेड बाई शिवांगी टू बी अ शो स्टॉपर इन दिस शो विच इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ माइंड एंड एज अ सेलिब्रिटी लाइक I have done 200 films, but I've never walked a ramp. So it's a new thing, and I'm very happy that. And I want to take a promise from her that she calls me again and again. Sorry. देखो एक्टर होता है, एक्टर बहुत सारी चीज़ें करता है. तो अवार्ड्स तो दादा फाल्के साहब का जो शो होता है वहाँ भी होता है, प्रियदर्शनी में होता है, दिल्ली में होता है, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं. तो मैं किसी एक अवार्ड को पिन पॉइंट नहीं कर सकता एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड दिनेरो एश. ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर जीत उपेंद्र. ही इज़ अ वेरी बिग स्टार इन गुजरात फिल्म एंड साउथ फिल्म स्पेशली मलयाली फिल्म एंड शिवांगी यू नो शी इज़ अपकमिंग डिज़ाइनर and a very aspiring actor and Raj Parmar. He's an actor, a very very promising actor, and he did the starting of the show which I stopped it. Thank you so much. Thank you. Awesome. Thank you. Take care. Yes. Oh, Monty, you very long. The hair. If you want time na. Yeah, okay. I love, you know, वो जो मॉडल्स थे वो बड़े खूबसूरत अच्छे दिख रहे हैं. तो मुझे सबसे पहले मेरी नज़र वहीं पे जाती है कि जो रैंप पे वॉक कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं. एंड दे ऑल आर वेरी नाइस और उनके आउटफिट्स भी बहुत अच्छे हैं. एंड आई एम कमिंग हियर फॉर अवार्ड. देखते हैं अभी. शुक्रिया, आई लव यू. आप मेरी हमेशा तारीफ़ करती हैं, सो शुक्रिया फॉर दिस.
एंड आजकल मैं बहुत कम निकल रही हूँ बाहर, थोड़ा रेस्ट पे थी, मेरे सर्जरी हुआ था बैक का, तो मैं 2 महीने से थोड़ा घर पर आराम कर रही थी। अभी बैठ नहीं पाऊँगी मैं, लेकिन अभी भी खड़े होकर इंजॉय करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरू में बिल्कुल मुझे बकवास लगा ये सीज़न, लेकिन बाखुदा की जब बाद में धीरे 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 बढ़ता रहा, शालीन एक नंबर का नल्ला है, बट ही इज़ क्यूट, बहुत क्यूट है वो, दिल का साफ है, एंड नल्ला मतलब गलत वर्ड नहीं होता, इट्स यूजलेस। एंड प्रियंका चहर चौधरी बहुत अच्छा खेल रही थी शुरुआत से, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ज़्यादा तकब्बुर आ गया उस खातून के अंदर, बिकॉज शायद सलमान साहब ने काफ़ी तारीफ़ कर दी है उनको, तो वो किसी और मुगालते में चली गई है, तो वो थोड़ा सा आ गया। बट टीना को आउट होना था क्योंकि शालिन भनोत को विक्टिम दिखा दी, तो उसका आउट होना था। और अर्चना शी इज़ नॉट अ, वो प्लेयर नहीं है जो शिव है, जो प्रियंका छेहर चौधरी, वो सारी आवाम जानती है वो, मैं मतलब किसी को बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट शिव और प्रियंका के एसिस्टेंट सुम्बुल ने साइलेंट गेम खेला, और देखिए कहाँ पर है। मैं चाहता अर्चना और अर्शी एक साथ में आज बहुत कंटेंट मिलेगा। तुम भी यार, मैं कंफ्यूज थी प्रियंका के बीच में एंड शिव के बीच में, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी एमसी स्टैन का भी लग रहा है। यस, आई विल कॉल हर, मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह कल परसों में उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चेक कर रही थी, कुछ नहीं किया, मैं जब यहाँ इसके लिए रेडी हो रही थी तब मुझे पता चला, इवन मेरी पीआर टीम सिया ने भी बताया, सो इंशाल्लाह मैं कल परसों में उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। आएंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी तो करूँगी, सस्ते में नहीं करूँगी मैं काम, सस्ते में नहीं आऊँगी मैं, वरना ऐसी आऊँगी मैं। हाँ वो ही काफ़ी है मेरे लिए, इंस्टाग्राम पैसा दे रहा है। अब आप सब देख रही है, दाल रोटी चिकन का है पैसा मेरे पास। मैं है ना, मैं उसको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब से वो बिग बॉस आई है उसका जो लफ्ज है, जो बोलती है ना, मतलब किसी का बाप का पूछा बोला तुमने, अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ती। तो इससे मैं उसको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो बोलती है बख़ैर नल्ला मुझे बहुत पसंद है। क्या मेरा शेरू सॉफ्ट टॉय घर पर है, शेरू इन सीजन, शेरू शेरू अच्छा, आई थिंक शी इज वन ऑफ द वन, व्हिच वन, अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी, बस बिग बॉस ही है पूरी यार। वेरी गुड, आरुण से जानना चाहेंगे क्या लगता है, चलो हां, दो हफ्ते बाकी है, आई थिंक दिस सीजन इज वेरी गुड, मुझे सब लोगों ने बहुत एंटरटेन किया है, आई थिंक अर्चना ने बहुत ज़बरदस्त किया, योगदान बहुत दिया शो में उसने, प्रियंका भी एज यू ऑल नो मेरी फेवरेट है, शिव ने भी कमाल किया है, इनफैक्ट टीना जब कल निकली आई फील बैड बिकॉज एक्चुअली वो बहुत इम्पैक्ट तो दिए उसने शो में, सब ने दिया ये साल, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट सीजन, आई लव्ड इट। अर्चना हैंड्स डाउन, मेरे बाल ठीक है ना वैसे, सॉरी अर्चना इज हैंड्स डाउन द बेस्ट टीम इन द हाउस, मतलब इतना मज़ा आया उसको लड़ाई देख के, जब घर में मैं गया था अंदर अभी गया था उसके साथ, जो मैंने डांस किया था और जो परफॉर्म किया था बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। भाई आई थिंक इतना टेंस माहौल हो गया घर में, मैं जाऊँगा तो मुझे खा जाएंगे ये लोग, तो आई थिंक मैं जाऊँगा, बट आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर विंस, आई होप प्रियंका विंस। यू नो राखी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जब मैं बिग बॉस में था तो उसने एक्चुअली, मैंने बोला बिग बॉस को, इनफैक्ट घर के जाने से अंदर, राखी को भेजो, और जब वो आई थी घर में इतना खुश हुआ कि राखी सावंत, और जब घर में आए तो उसकी मम्मी का एक, जब मैं वापस गया घर में सेकेंड टाइम, तो वही मैं खुशी लेके गया था अंदर, जो सबका फैमिली भी चल रहा था, उसकी मम्मी स्क्रीन पर आई थी और रोने लगी, और शी इज सच ए गुड डॉटर, उसने बहुत ख्याल रखा मम्मी का, आज मैं गया था फॉर द फ्यूनरल, आई वॉज देयर, एंड राखी बहुत अच्छा सोल है, मतलब 20 साल से हमको एंटरटेन कर रही है, अभी तक रेलिवेंट है ये लड़की, तो मतलब शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, एंड आई एम श्योर मदर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर, और जो उसे संभाला हो
जो उसे लुक आफ्टर किया उसकी मम की बहुत अच्छा किया. सो आई एम आई फील वेरी बैड फॉर हर बट आई नो शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शुड कम थ्रू. अरे सबर करो वर्थ द वेट अभी आ रहे. यस सर see I've done the two of the biggest at Big Boss in Khatro. Ab jo aa rahe obviously not those big, but the things are coming out are much fun. A very different side of me. Bhai lockup mein tha main do sir. Mujhe gare lockup se bhai dekho niche sone ke liye yahan main to mar jaunga andar. Wahan masti nahi hoti, wahan ladai bahut hoti hai. But it's a good show. I like this show. Thank you so much guys. Keep loving, keep blessing and my love. Lot of love to you. Thank you so much. हाय सर तो हर टाइम मुझे कुछ नहीं पूछता है यार हैं. एक बात बताओ जब वो उसको प्रपोज करेगा तब शादी होगी ना. मैं तो राजीव भाई प्रपोज करूँ मैं बोल तो कोई किसी को शादी नहीं करना चाहिए. क्यों देखो मैं शादी को बिलीव ही नहीं करता भाई. पैसे का मामला है वो कुछ नहीं है. प्यार में हो तो प्यार में रहो. शादी होगी तो होगी. आपको लगता है पंडित तो कहाँ से है. चलो थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर. माय नेम इज नवनीत मलिक एंड आई गॉट दिस अवार्ड फॉर माय फर्स्ट डेब्यू फिल्म. इट्स कॉल्ड लव हॉस्टल from Red Chillies and it's such a pleasure for me to get this award. Of course there's a one web series is coming. It's going to be on Hotstar. It's from Neeraj Pandey's web and one more movie is coming. It's with Sanjay Dutt. So the internal things I can't disclose it right now, the character and everything, but very soon maybe in the next meeting I'll disclose it. Right now, okay, I can tell about the movie. So it's a horror comedy and the web series maybe in some time, maybe after a month I can disclose it to you guys. Yeah, thank you very much. Thank you. Yeah, it's very nice, and this is the first time I'm getting nominated for this category also. And ये बहुत अच्छी बात है कि you know ये trend कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और ये trend चलते रहना चाहिए. I think ये तीसरा साल है इनका और मैं इनको best wishes देना चाहूँगी और मैं यही चाहूँगी कि you know इस ये मुकाम से artist और जो common people है वो और भी नज़दीक आ गए. थैंक यू. तो जनरली मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे लगूँ और आज भी मैं वैसी लग रही हूँ यू नो. हाँ सो ये ऑक्सीडाइज्ड बहुत ही प्यारा ज्वेलरी है. स्पॉन्सर किया हुआ ज्वेलरी है और साड़ी इज़ अ लेनिन साड़ी विथ यू नो एक साइड स्ट्रोल लिया है और एक सिल्वर क्लच लिया है. तो मैं वैसे भी यू नो थोड़ी सी आर्टिस्टिकली ड्रेस करती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ये. No, I'm not following. not really. देखो बिग बॉस हो या ना हो लेकिन यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ राखी सावंत. आई डोंट नो इफ शी इज़ देयर एंड या एंड आई एम माई कंडोलेंसेज टू हर एंड हर फैमिली टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन द लॉस ऑफ द मदर. बट आई थिंक ये जो ट्रेंड है अगर आप बिग बॉस का कहें या यू नो एक आर्टिस्ट को नोटिफाई करना क्या करती है कैसे बात करती है और वो कैसे कंट्रोवर्सीज़ को हैंडल करती है तो इट इज़ राखी सावंत आई फील. सो शी इज़ द ट्रेंडिंग लेडी यू नो. जितने भी आप सीजन्स करते रहो लेकिन एक द वे शी टॉक्स या वो एंटरटेनमेंट को पकड़ के रखती है. पता नहीं बट आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस समडे. आई थिंक मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी कर पाऊँगी. थैंक यू.
This is actually my first time in LOT, and I'm looking forward to these award functions. If you finish quickly, I want to go and be part of the award function inside, and then I'll be in a better position to tell you how and the award function has turned out to be. I have a team that takes care of the look that I sport. I add a few of my personal elements in it, but so these are the guys who actually took care of it. They are the ones who prepared for it. मुझे लगता है कि मैं तो प्रियंका और स्टैन दोनों को वोट दे रहा हूँ. मुझे तो मैं खुश रहूँगा उन दोनों में से जो भी जीतेगा मैं बहुत खुश रहूँगा. मैं जब जिनके लिए कहना है उनके बारे में सोच रहा हूँ, बाकियों के लिए सोचना ही नहीं है. क्या लगता है ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? मेरे हिसाब से तो प्रियंका और स्टैन में से किसी को भी एक को लेके जानी चाहिए. आई डोंट नो हर पर्सनली, बट एक इस लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो अपने पेरेंट्स को लूज करना होता है. सो आई रियली प्रे फॉर हर मदर्स यू नो सोल. आई रियली प्रे फॉर राखी टू गेट द स्ट्रेंथ, और भगवान करे कि वो उसे हिम्मत मिले, भगवान करे उसे वो स्ट्रेंथ मिले कि वो इस लॉस से कोप अप कर पाए. और मेरा सिर्फ यही कहना है. सबसे पहले यार पता है क्या, एकदम आप अच्छे खुशी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आप एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो अब आप साइड चले जाते हैं और सडनली नो माई थिंग इज कि बीच में फिर किसी का एक इमोशनल सेटबैक या इमोशनल लॉस के बारे में आप सोचते हैं और आपको महसूस होता है और सडनली जंप करें आप उस पर कि अच्छा बिग बॉस में, तो सडनली एक कंट्रास्टिंग इमोशन है. बट सच इज लाइफ एनी वे. सो हाँ, मैं इसके बाहर मैं सबसे मिलना चाहूँगा यार. मैं चाहूँगा कि मैं अब्दू से मिलूँ. अब्दू से मेरा हिट एंड मिस हुआ है काफ़ी बार, और मैं सबसे मिलना चाहूँगा. मैं चाहूँगा कि हम जो भी बिग बॉस के घर में होता है वो वहीं रह जाता है, बाहर आते हैं तो सब ठीक हो जाता है. तो यहाँ आकर सबके साथ ड्यू है मेरा पार्टी करना, और अंकित के साथ मिलना ड्यू है मेरा, और उसके साथ साथ साजिद जी भी है उनके साथ भी मिलना ड्यू है. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिनाले, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हाउ इट टर्न्स आउट एंड हु विंस द शो. मुझे लगता है कि ये गेम है, कौन कभी सही होता है कौन कभी नहीं होता है, तो वो खुद भी बहुत बार गलत रही है. तो अगर वो सही हो रही है, वो बिट मैंने नहीं देखा है, अगर मैं देख पाता तो मैं उस पर ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर पाता. बट आपने ये सवाल पूछा इसलिए मैं जाकर देखूँगा ज़रूर, और लास्ट के कुछ एपिसोड देख के, और फिर हम अगली बार मिलेंगे तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा. इंशाल्लाह फिनाले से पहले ही मिलें जी. Thank you. Yes, I have a lot of gratitude towards all of you for giving so much love to me, for showering so much of love upon me, so much of support to me. Aur ye izzat, ye pyar barqarar rakhna hamesha mere sath. Aur thank you. God bless all of you. Thank you. So first of all, this is my first time here. And I'm really excited. क्या होने वाला है, what will happen? और nomination पता नहीं, मेरा नाम तो है music में, singing में, कोई award वगैरह भी मिलने वाला है उसके लिए भी मैं excited हूँ. And बहुत सारा best wishes ये जो भी कर रहे हैं सब आर्टिस्टों को जोड़ के एक माहौल create होना, और ऊपर से नए नए talent सामने आना, ये मेरे लिए तो और भी excitement होता है जब मैं नए नए टैलेंट सामने देखता हूँ. और ऑलरेडी मेरे से सीनियर्स लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है सबसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऑन ब्रांड, ओके. सो बेसिकली मेरे गाने लोग पसंद कर लेते हैं, मेरे लिए उतना काफ़ी है.
मेरी राइटिंग लोग पसंद कर लेते हैं और एक्टिंग में भी मुझे घुसा ही दिया है, तो काफ़ी एज एन एक्टर मुझे काफ़ी गाने मिल रहे हैं, तो मैं वो भी करे किए अभी काफ़ी किए हैं मैंने, और जो बड़े बड़े कोलैब्स मैंने किए हैं अभी वो आने वाले हैं, जैसे मेरे मैं जिनका फ़ैन था मिलिंद गाबा, उनके साथ मैंने गाना किया है फाइनली, एंड काफ़ी अच्छे नाम के साथ मेरे गाने आ रहे हैं, जैसे डेजी शाह हैं उनके साथ मेरे एक गाना आ रहा है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है बेसिकली। थैंक यू सो मच। पहले तो विशिंग एलओपी ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इट लुक्स अमेजिंग सो फार, अंदर जाके और पता चलेगा, अंदर जाकर मैंने देखा नहीं है, और मुझे क्या अवार्ड मिल रहा है वैसे, क्या अवार्ड मिल रहा है मुझे, आई थिंक मोस्ट चार्मिंग स्टार ऑफ टेलीविजन फॉर एक्टिंग, थैंक यू यार। मैं हमेशा एफर्टलेस रहता हूँ यार, कुछ भी पहन लेता हूँ है ना, जो कंफर्टेबल लगता है वो पहन लेता हूँ। नहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस, काफ़ी मैंने फॉलो किया है, आई थिंक 70% मैंने फॉलो किया है, तो आप मुझे पूछ सकते हो जो पूछना। यार सडनली मुझे प्रियंका अच्छी लगने लगी है ना, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी बौखलाई हुई सी थी, पर सडनली आई थिंक शी इज जस्ट सरप्राइजिंग एंड उसमें बार बार वाव फैक्टर्स आते जा रहे हैं, हर बार शी इज डूइंग समथिंग न्यू, सोलो खेल रही है वो, यू नो विच इज़ नाइस। शिव और एमसी स्टैन वो लोग भी बहुत पावरफुल लग रहे हैं, निमृत कहीं लॉस्ट लग रही है, आई होप उसका गेम आप हो जाए, क्योंकि शुरुआत में निमृत डेफिनेटली मेरी फेवरेट थी। अर्चना ऑफकोर्स, अर्चना फॉर श्योर, यार लाइफ में कभी भी सही गलत कुछ नहीं होता है ना, जो आपके लिए सही मेरे लिए गलत, जो मेरे लिए सही आपके लिए गलत है ना, तो मुझे ह्यूमैनिज्म कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन क्या सही है, सच और झूठ होता है बस, और आई थिंक जो सच बोलता है मैं उसे सपोर्ट करूँगा, और लोगों को अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से गलत लगता हो, बट आई थिंक इट दैट डजंट मैटर एट ऑल, कौन हो तुम जज करने वाले है ना, कोई जज नहीं कर सकता है, सही और गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है, जो आपको लगे कि सच खेल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको जो एंटरटेन करता है उससे सपोर्ट करो और जीताओ। हाँ मेरे पास टाइम ही नहीं है इस वक्त, लास्ट टू वीक्स में मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना है तो शुरुआत से जाना है और डेफिनेटली जीतना है। वेल आज ही मैंने एक सीरीज लॉक की है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, मैं बता नहीं सकता हूँ, पर बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है, एक सीरीज रिलीज पर है, दो गाने रिलीज पर है, तो एक्साइटेड हूँ मैं 2023 में, 2022 में सबका बहुत प्यार मिला लॉकअप में, 2023 में जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, क्योंकि यही मानना है अगला काम पिछले से बेटर होना चाहिए, तो वही रेस है और वही खुद से ही रेस है, और वही उम्मीद करता हूँ कि सब मुझे उतना ही प्यार करते हैं, वो तो नहीं पता, पर मैं मानता हूँ और ये करना चाहता हूँ साल में एक रियलिटी शो, तो इंशाल्लाह 2023 में एक और रियलिटी शो करना डेफिनेटली चाहूँगा। क्या बोलूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर रिकग्नाइजिंग आवर वर्क एंड दे आर अप्रिशिएटिंग, और हमें अवार्ड दे रहे हैं। देखिए अवार्ड हम एक्टर्स के लिए, एक्टर्स क्या किसी के भी लिए अवार्ड्स मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो दैट एक्चुअली शोज दैट योर वर्क इज़ बींग अप्रिशिएटेड, सो आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, त्रिशूल द डिवाइन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग आज की शाम मुझे इस अवार्ड से नवाज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यस सो मेरा शो गुम है किसी के प्यार में, माई बिलावड शो, जिसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया और मेरे भी दिल के बहुत करीब वो कैरेक्टर है देवी या देवयानी, उस कैरेक्टर के लिए मुझे आज की शाम अवार्ड मिल रहा है मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस इन टीवी। यार देखो ऑडियंस का ये ना बहुत गलत बात है, पहले वही लोग मेरे पीछे पड़े थे कि मैम यू आर नॉट सीन, व्हाट आर यू डूइंग, लीव द शो, डू समथिंग बेटर एंड ऑल, और अब जो है अब भी मुझे भी मैसेजेस आते हैं, ऑनेस्टली आई वुड लाइक,
that we miss you in the show and you know things like that. I mean emotional cheese, of course I think they miss the character Devi Devyani. अभी तो मैंने रिसेंटली रैपअप किया आशिकाना सीजन टू ऑन डिज्नी हॉट स्टार. दैट वॉज ऑल्सो डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई प्लेड. इट वॉज अ ग्रे शेड फर्स्ट ऑफ माई लाइफ एंड ओ टी टी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. दैट वॉज ऑल्सो वेरी इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड आई जस्ट रैप्ड अप आई वेंट आउट यू नो हॉलीडेइंग और अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ अनटिल एंड अनलेस आई गेट समथिंग एक्साइटिंग. नॉट रेगुलरली बट येस मैं बिग बॉस ऑन एंड ऑफ कभी कभी फॉलो करती हूँ बिकॉज मैं सुम्बुल को जानती हूँ एंड आई रियली लाइक हर एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट शी विंस. शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल एट सच अ यंग एज. माई गॉड मतलब इतना एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रही है आजकल के ज़माने की नई पीढ़ी के लिए. आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर बाहर आए. नहीं यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में बट जो भी जुम्पुल कर रही है मुझे पता है कि वो बहुत ही काबिल कैंडिडेट है बिग बॉस में. सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड एज आई सेड शी हैज़ टू कम आउट एज अ विनर. आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ग्लैड दैट they are honoring various talents of the industry, be it from fashion, be it from acting, be it from every field. So it's motivation and I'm looking forward to it. When we talk about fashion, what, tell us something about today's look, what was your preparation for it? So basically Deepika Yadav has styled me. This is how I look. And so basically for fashion for me it's about just about, you know, there are times I want to just go over the top and then there are times I just want to be subtle. And today is just an honoring event, so I thought, why not wear a decent suit and just be here. Although the year 23 has been started, does it show you, are we going to see any of your surprises? Yeah, a lot of surprises. I'm currently working on web. Plus, I am doing a national television show, which is called Meet on Z. And some new projects, and I hope you guys like it. Well, little bit, yeah. Actually, everybody is from the industry, so I know people, right? We've been on and off talking to each other. And I little do that I know is Sumbul and Priyanka and all these people. And I think Priyanka is going to take this season, right? I think Priyanka. Thank you so much. Thank you. एक रात ऐसी होती है जहाँ पे हमको सेलिब्रेट किया जाता है. सो आई लव अवार्ड फंक्शन. दिस वन इन पर्टिकुलर आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ इट. और हम लोग अभी रैंप भी चल के आए तो थोड़ा सा एड्रेनलिन हाई है. बहुत मजा आया. हाँ किया था एकता जी के लिए. इट्स कॉल्ड बेकाबू 2. उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का मिला हुआ है खिताब. फॉर विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. वेरी वेरी प्राउड ऑल्सो. सर यस मुझे शो स्टॉपर का अवार्ड मिला है. And I'm very happy to be here. बहुत मज़ा आता है अवार्ड शोज़ में. एंड स्पेशली जब आप इतने अच्छे लग रहे हो इनके कलेक्शन में. एंड यू आर लुकिंग लाइक अ डीवा. मुझे अभी भी कॉम्प्लीमेंट मिला एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. या आई एम अ डिज़ाइनर फ्रॉम गुजरात एंड आई गॉट अवार्ड फॉर माई डिज़ाइंस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर वॉकिंग इन दिस सक्सेसफुल अवार्ड इवेंट. द रैंप वॉज वेरी नाइस. द ऑडियंस इज़ वेरी नाइस.
and my both the showstoppers made my outfits looking fabulous, and and we are very happy after the show. Thank you guys. Bye. It's very special, I feel, and these awards are also special awards for all the actors, all the people who are receiving and people who are involved in this. All the best to them. See? I think this is a very different look people have not seen me in. इतने सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं सो आई जस्ट फेल्ट कि मैं कुछ और डिफरेंट यू ऑलवेज सी मी इन ऑल दोज ना स्लीक एंड स्टाइलिश अटायर्स एंड आई जस्ट वांट टू फील लाइक बार्बी टुडे आई गेस मुझे जी जी हदीद बहुत पसंद है आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया हुआ आई थिंक आई लव हर फैशन सेंस एंड हर स्टाइल एंड हर कॉन्फिडेंस Fashion, I think you should always be confident what you're wearing and wear your style, don't copy anyone. I will be shooting for a short film in couple of days. So, wo aapko mere Instagram ke through pata chali jayega. And baki jitne bhi projects honge, I think the production house ki taraf se jab release honge, that will be the best way. Thank you. बिल्कुल बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल अवार्ड LOT अवार्ड्स द फैशन वीक थिंग नो नॉट द एक सेकेंड हाँ सो आई एम वेरी ग्लैड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर LOT अवार्ड्स में और इट्स इंटरनेशनल फैशन वीक अवार्ड्स तो यू हैव टू बी वेरी फैशनेबल टू कम टू दिस अवार्ड जब फैशन की बात आती है तो आज का अगर आपका लुक अगर पूछा जाए तो प्लीज बताइए कैसे आपने आज का प्रिपरेशन बहुत ही जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे कहीं और जाना था और वहाँ से मैं इधर आई तो या थैंक्स टू माय स्टाइलिस्ट दैट शी डिड अ गुड जॉब आई होप सो और या इट्स अ ब्लेजर विथ टॉप एंड पैंट्स दैट्स इट हाँ एक्चुअली मम्मी के लुक के बारे में हम काफ़ी बात कर सकते हैं क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहनी है फुल बंगाली स्टाइल में बिंदी पहनी है तो मम्मी इज आई थिंक मोर फैशनेबल फॉर दिस अवार्ड फंक्शन देन मी नहीं मैं बन के चली गई थी मुझे लगता है शिव और प्रियंका सभी अच्छा खेल रहे सभी अच्छा कर रहे बाकी और क्या ही कह सकती हूँ सबके साथ मेरा बेस्ट विशेस है मैं चाहूँगी शिव या प्रियंका में से कोई एक जीते एंड माय बेस्ट विशेस आर विद देम मैं कहने वाली कोई नहीं होती हूँ क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस वोट
कि ऑडियंस को कौन पसंद आते हैं नहीं आते हैं उस पर डिपेंड होता है. और ऑनेस्टली मैंने आप लोगों ने मुझे टीना के बारे में इतना सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि मुझे लगता है अब जबकि वो निकल चुकी है और गेम का हिस्सा नहीं है तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें. मैं चाहती हूँ कि वैसे कुछ कुछ पाइपलाइन में है ऐसे ही लाइक इंक्वायरीज़ है, पर मैं चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं इन्जॉय कर सकती हूँ और जो मुझे बेहद दिल से अच्छा लगे. बस काम करने के लिए करना नहीं चाहिए, तो मुझे आई होप सो कि मुझे ऐसा कुछ मिले जो मुझे बेहद अच्छा लगे एंड दिल और जान से कर सकूँ. मैं यही कहना चाहूँगी ऑल माई कॉन्डोलेंस आर विथ हर एंड मे गॉड लाइक ब्लेस हर, मे हर सोल रेस्ट इन पीस. मैं आपकी आपका सवाल नहीं समझ पाई. मैं यही कहना चाहूँगी हाँ अर्चना ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगती थी, हम लोग लड़ते भी थे पर हम फिर वापस से प्यार भी कर लेते थे. मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ऐसा एक गेम है और ऐसा एक घर है कि यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कर्मा. जो आप करते हो किसी के साथ घूम फिर के वो गेम और ऑटोमेटिकली ऐसे बाद में होता है कि वो घूम फिर के आपके. तो आई थिंक घर के अंदर ही ना वो आपको कर्मा के तौर पे ना वापस आ जाता है आपके पास, वो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाता है. वो बहुत सारे ओकेशंस में एक दिन मैं और शिव बैठ के ये बात कर रहे थे और बहुत सारे ओकेशंस में हमने नोटिस किया है कि जो आप देते हो उस घर को वो घर आपको वहाँ से वापस कर देता है. मैं यही चाहती हूँ कि उसकी मनपसंद कोई शो उसको मिले, जो भी काम करे बहुत अच्छे से करेगी, दिल लगा के करेगी. मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा और बढ़िया काम उसको बहुत जल्द मिल जाए. थैंक यू थैंक यू. क्या विजुअल्स दोनों का साथ में चाहिए या मेरा साथ में चाहिए? आपको देख के बात करनी है वहाँ देख के बात करनी है. आई एम रियली ग्लैड, सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर. एंड इट्स एन ऑनर मैन. आई मीन ये साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है, सो आई होप ये साल मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए एंड इसकी शुरुआत हो चुकी है इस अवार्ड से, सो आई एम ग्रेटफुल. 2023 में मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइन हैं. अभी तो मेरी एक साउथ की मूवी रिलीज होने वाली है विच इज़ कॉल्ड मद्रासी गैंग. ऑल्सो मेरी दो म्यूज़िक वीडियो ऑलरेडी रिलीज होने वाली हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. हाँ जी, मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ. जी 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 हाँ. टॉप 5 में मैं चाहती हूँ प्रियंका, शेफ. मैं टॉप 2 ही बोलूँगी क्योंकि मुझे
टॉप टू मुझे पता है, इसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि और मैं किसी को सपोर्ट करूँगी। मुझे स्टैन भी पसंद है, तो प्रियंका, शिव एंड स्टैन, निमृत भी है, सॉरी चार बोलिए अब, ठीक है पाँचवा रहने दो। मैं अपने फैंस को बोलूँगी प्लीज़ गाइस कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू अ लॉट। थैंक यू। पंकज पंकज पंकज।